हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम खैरुल वाला है और हमने जो है चैप्टर नंबर 12 आपका इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स की सीरीज को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। मींस इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने दो एग्जांपल खत्म कर दिए थे, तो उसको आप एक बार जाके देखिएगा और आप खुद से ट्राई करिएगा। ओके, क्योंकि क्या है, आप खुद से ट्राई करेंगे और मेरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे आएगा, मतलब उसका आंसर कैसे निकालना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है एग्जांपल 12.3। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये, जो है आपका बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। और ये कितने मार्क्स का आया है, ये 4 मार्क्स में आता है, ये 4 मार्क्स में। तो आपको इस चीज का ख्याल रख के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है। देखिए क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज 1200। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना करंट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब से ड्रॉ होगा, पास होगा। एक हमें बैटरी दे दी इसने 220 वोल्ट की, जिसकी जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी दे दिया इसने, ऑफ द फिलामेंट का कितना दे दिया, 1200 ओम दे दिया। कितना दे दिया, 1200 ओम दे दिया। उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बी में, देखिए इसी के अंदर है आपका, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 8 to 20 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100। अब इसने क्या पूछ लिया बी के अंदर कि कितना करंट जो है होगा एक इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, जिसमें हमें इसमें बैटरी के सोर्स कितना दे दिया, 220 ही रखा है। आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे, इसने जो है 220 वोल्ट ही रखी है सोर्स का, ठीक है, बैटरी का जो कितना रखा है चेंज नहीं किया। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम, और उसने रेजिस्टेंस जो है हीटर कॉइल का कितना कर दिया, 100 ओम। पहले कितना दिया हुआ था, पहले कितना कर रखा था इसने, 1200 ओम से इसने नीचे कर दिया। तो इस केस में, दोनों केस में हमें क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं इसका हम लोग आंसर। गिवन दैट सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, इसने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, V से। कितना दे रखा है, 220, कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और हमें रेजिस्टेंस दे दिया है इसने, कितना दे रखा है रेजिस्टेंस, 20 कैप। इसको डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल R से। कितना दिया हुआ है, 1200 ओम, ठीक है। तो हमें यहां पे क्या निकालना है, करंट निकालनी है I कितना होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल्स टू, देखिए मैं आपको डायरेक्टली जो है इसका फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको लर्न कर लीजिएगा। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, भेयर V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। उसके बाद देखिए क्या है, I क्या होता है हमारा, करंट। उसके बाद R क्या होता है, रेजिस्टेंस। आप प्लीज ये सिंबल्स याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, यहां से I की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, V अपॉन R, कितनी होगी, V अपॉन R। तो I बराबर, V कितना है हमारे पास, देखिए 220 वोल्ट, और R कितना है हमारे पास, 1200। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 22/120 को, तो कितना आ जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 0.18 एम्पेयर। कितना आ जाएगा, 0.18 एम्पेयर। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारा इसका A का आंसर होगा। सॉल्यूशन A लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, हाँ, तो अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन ऑफ बी, सॉल्यूशन ऑफ बी का, इसी में ही है ये, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा।
तो देखिए क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ होगा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स दे दिया है इसने। देखिए क्या दिया है इसने, अब इसके अंदर गिवन दैट बी में क्या दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले इसने दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया मींस वी कितना दे दिया 220, उतना ही है जितना पहले वाले क्वेश्चन में था, मतलब ए के अंदर था। उसके बाद क्या दिया है इसने, इफ द रेजिस्टेंस हीटर का क्या कर दिया इसने, रेजिस्टेंस कम कर दिया 100 ओम कर दिया, कितना कर दिया 100, पहले कितना था 1200, उसके बाद नीचे कर दिया इसने 100 कर दिया। अब हमसे यहां क्या पूछ रहा है, फिर दोबारा एक करंट पूछ रहा है कितना होगा आई, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर। अब हम दोबारा से यहां पे करंट की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी V अपॉन R, तो I बराबर V कितना है हमारे पास, देखिए 220 डिवाइडेड बाय R कितना है 100, तो यहां से जीरो तो कितना हो जाएगा 2.2 एम्पीयर, तो I कितना आ जाएगा यहां से 2.2 एम्पीयर। तो होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसका आंसर कैसे निकालना है हम लोगों को। तो ये हालांकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है, ठीक है, दो दो मार्क्स के आते हैं आपके, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप खुद से ट्राई करिएगा, और हो सकता है प्लीज ये वीडियोस को आप प्लीज शेयर करिए, तो इससे लोगों की आपको क्या होगा मदद हो जाएगी, और हो सके तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।